पहुँचे हैं जस्ट। हमारी फ्लाइट थी 9:40 की सुबह और 5 बजे हम लोग गाँव से निकल गए थे और उसके बाद पूरा ट्रैवल करके एयरपोर्ट तक पहुँचे जो कि 3 घंटे का रास्ता है और वहाँ से पूरा फ्लाइट में ऑब्वियसली ज़्यादा जल्दी थोड़ा पहुँचना पड़ता है तो हमें बहुत ही हेक्टिक हो गया था। सुबह 4 बजे उठ के सारी चीज़ें करी है हमने और अभी हम लोग टैक्सी में हैं। अभी हम जा रहे हैं घर, हैदराबाद वाले घर पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, हम लोग वो घर छोड़े 10 महीने से ऊपर हो गया है, तो देखते हैं घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी आई थिंक। तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे कौन सी हालत हो चुकी है। और अभी हम जस्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता कर लिया है तो ज़्यादा कुछ भूख है नहीं, तो अभी बस काम निपटाना है, सारा सब कुछ सही करना है और ऊपर से गेस्ट भी आ रहे हैं, मेरे मम्मी लोग भी आ रहे हैं 2 दिन के बाद, तो बहुत हैक्टिक होने वाला है 2 दिन ये। और या बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं, हालत भी ख़राब है और ऊपर से घर की हालत इतनी ख़राब है कि साफ करे भी ना रह नहीं सकते, ऐसा है। तो मैं चल के दिखाती हूँ आपको घर की हालत क्या है। सारी चीज़ें ढक के गई थी अच्छी तरीके से, ये देखो अभी तक ये 5th एनिवर्सरी जो कंपनी की थी अब तक लगा है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं ढक के गई थी, टीवी, सोफ़ा, सब कुछ। धूल देखो एक बार, ओह माय गॉड, दिखाती हूँ मैं, ये देखो, अरे ये मेरी गैलरी
माय गॉड, यहाँ पे तो पूरा पूरा जंगल बन गया है। नहीं उगे यहाँ पे। इफ़ यू गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ की बहुत सारी स्टोरीज लगाती हूँ मैं कि यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा आता है, बट यहाँ पर अब बीच में ये सारा उग गया है, बाप रे। और ये देखो अभी तक एलोवेरा जिंदा है, पूरा जिंदा है। और यहाँ पे कुछ नया उगा है वो भी जिंदा है, और बाकी सारी चीज़ें तो मर गई। ये एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी मेरे को कि कुछ जिंदा रहेगा। और यहाँ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया है, वाह। मैंने ये चिड़िया का घर बनाया था एक्चुअली, वो यहाँ पर एसी का जो ये कंप्रेसर उसके पीछे बना रही थी, बट उसका बार बार गिर जा रहा था, तो मैंने ये बॉक्स उसके लिए बनाया था। तो शायद उसने ये घोंसला, इधर भी एक बना हुआ है शायद, हाँ। और ये मैकी का बेल्ट, आई मिस यू मैकी। मैकी का बेल्ट है। और ये थकी हारी मैं। और किचन देखते हैं एक बार, किचन। ये मेरा वॉशिंग मशीन इधर पड़ा है, और किचन की भी हालत खराब है। ओवन तो ढक दिया था मैंने, और पानी भी खाली कर दिया था, बहुत ज़्यादा धूल लग चुकी है। और ये रूम खोलो, ऑफिस रूम। दिखाओ मंदिर, पता नहीं शायद छिपकली ही है। चीजें सारी साफ करनी पड़ेगी। मैं कलू बेटा नहीं है इधर, ये फ्रिज भी ऑन है, फ्रिज की हालत भी खराब हो ही चुकी होगी। चलो ओके गाइस, हाँ दैट्स इट। अब मैं लगूंगी काम पे, और बाकी का आफ्टर वाला सीन मैं दिखाऊंगी, पॉसिबल होगा तो, अगर मेरे में थोड़ी हिम्मत बची होगी तो, अदरवाइज बस मैं बाकी का व्लॉग बाद में कंटिन्यू करूंगी। और ये एसी का वेंट कैसे खुला हुआ है भाई, थोड़ा सा इधर चूहों का इतना बड़ा आतंक है ना। और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का आईना गिर चुका था नीचे, बट फॉर्चुनेटली बच गया, टूटा नहीं है, तेल लगाना भी बाकी है। और यहाँ से देखते बाहर का नज़ारा, क्या हालत हो चुकी है भाई। हाँ बाहर का नज़ारा तो ठीक ही है, अच्छा है इधर, इसलिए अच्छा लगता है ना कि हर तरफ ग्रीन ग्रीन, जिस तरफ देखो ना ग्रीनरी बहुत दिखती है। हाय, तो चलो अभी लगते हैं काम पर, बाकी की बातें।